प्रोग्राम की शुरुआत बहुत ही सुंदर गायकों को आमंत्रित किया है, बहुत ही अच्छा आनंद आएगा। बंधुओं, एक दोहा बहुत ही पुराने जमाने से आप सुनते चले आ रहे हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि आए एक ही घाट थे जानो एक ही घाट, आए एक ही घाट थे जानो एक ही घाट, और अपने अपने कर्म ते सब है गए बारे। लेकिन कर्म किसका है, बारे बात हुआ कौन, कर्म फला किसे? सुनेंगे दो भाइयों की कहानी एक कवित्व के माध्यम से। दो भाइयों ने, खास भाई और कर्म, दोनों के अलग अलग कर्म से बारे बात हुआ। क्या हुआ सुनिए साहब। सोने की लंका थी रावण की। हाजी कमेटी बारियो, तुमने तो बैठे बैगन बेचो नंबर लगा दियो दीख। लेकिन उसी रावण का छोटा भाई विभीषण, उसका कर्म सुनिए। क्या भक्त विभीषण ने हरी कृपा ते मिल गयो भाई लंका को आज। एक भाई कर्म से विमुख होकर के लंका पर शहीद हो गया और दूसरा भाई कर्म के अनुसार लंका का राजा बन गया। ये कर्म की बात है, लेकिन सुनेंगे साखी। चलेगी बरात, अरे होंगे सब ठाट, अरे होंगे सब ठाट, अरे होंगे सब ठाट, तेरे सो बटनों we'll be right back।
ये 50 रुपए का पुरस्कार बाबूजी के द्वारा रामस्वरूप पंच साहब सजौला से बार बार धन्यवाद। बंधुआ प्रसंग जिस वक्त और ये धर्मराज को ये 50 रुपए नरपत सिंह जी सजौला, ये 50 रुपए श्री पनय सिंह जी हवलदार सजौला, जय हो, धन्यवाद। धर्मराज दीक्षित को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया, लेकिन विचार किया है धर्मराज ने, मैं राजा तो बन गया लेकिन जो राजाओं के कर्तव्य हुआ करते हैं उनका पालन मैंने अभी तक नहीं किया। कर्तव्य क्या होते हैं? एक राज सूर्यज्ञ करना, विश्वजय करना, विश्वजय का एक अश्व छोड़ना। भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए, कहा मधुसूदन मैं एक राजसु यज्ञ करना चाहता हूं, विश्व विजय करना चाहता हूं, एक यज्ञ का घोड़ा छोड़ना चाहता हूं। कन्हैया कहने लगे हैं उत्तम विचार है बड़े भैया, परंतु आपका राजसु यज्ञ सफल नहीं होगा, आप विश्व विजय का घोड़ा नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्या अर्जुन से बड़ा कोई योद्धा इस दुनिया में हो गया? नहीं भैया, अर्जुन से बड़ा कोई योद्धा नहीं हुआ, लेकिन विश्व विजय के रास्ते में एक रोड़ा एक कांटा अवश्य पैदा हो गया। पहले बा कांटे को काटो, पहले बा कांटे को काटो, जो रास्ता में रोड़ा है, और फिर छोड़ो तुम निदर कहे कि विश्व विजय को। सो नाम गाम बतला दे स्वामी, धर्म राज यो बोलो, सब भेद प्रभु ने। कहां का रहने वाला है भैया वो रोड़ा? जरासंध है, लेकिन जरासंध कहां का रहने वाला है? किस कौन से संत ने जरासंध के लिए वरदान दिया जिससे कि मैं अपने सुदर्शन चक्र से भी उसका वध नहीं कर सका? छोड़ दियो ब्रजबा के भय से, छोड़ दियो ब्रजबा के भय से, पुरी द्वारका आया हूं, वरदान ऋषि को बाकू मार नहीं मैं पा, उसका वध मैं क्यों नहीं कर सका? कौन सा ऋषि हुआ? सुनिए कहा क्या कहानी सुना रहे कन्हैया धर्मराज के लिए। और भूपाले सत्य कहूं बानी,
सत्य कहूं बानी फिर जा रहे जहां रहे प्रहेद्रत भूप पो मगर जदा और ये 50 रुपए अशोक कुमार जी बार बार धन्यवाद लेकिन चंद राय ने बागों में बोले कोयलिया बागों में बोले कोयलिया गुणगान की खुशबू आती है बागों में बोले कोयलिया गुणगान की खुशबू आती है रामायण के पन्नों से रामायण के पन्नों में हनुमान की खुशबू आती है अगर मन से दिल से राम चरितमानस का पाठ करोगे हर पन्ने में पवन पुत्र हनुमान की सुगंध महसूस होगी और क्या तपस्या करते हैं क्या संत तपस्या करते हैं भगवान की खुशबू आती है जय हो क्या संत तपस्या करते हैं जय हो भगवान की खुशबू आती है और बतन पे मरने बालों में बतन पे मरने बाल में हिंदुस्तान की खुशबू आती है बतन पे मरने बाल में हिंदुस्तान की खुशबू से कह दिया भैया मगध वहां एक बृहद्रथ नाम के राजा राज्य किया करते थे बहुत ही धीर वीर बलवान धर्मात्मा ज्ञानी पुरुष काशी नरेश की दो पुत्रियां उनकी पत्नी थी लेकिन बड़े भैया ऐसे धर्मात्मा राजा के लिए उस परमात्मा ने जो दुनिया में मानव का सबसे बड़ा दुख होता है वो दुख दे रखा था भैया इंसान के लिए सबसे बड़ा दुख दुनिया में कौन सा होता है पूछा है धर्मराज ने तो कन्हैया कह रहे सुनिए भैया वो दुख कौन सा होता है जो दुख उस राजा के लिए था क्या कहा सुनिए भयो ना घर में लाले
भयो नाय घर में ला हो रहे हैं। एक भी पुत्र पैदा नहीं हुआ, सारे इंतजाम किए, लेकिन क्या हुआ? और ये 50 रुपए का पुरस्कार सुभाष जी नगला से बार बार धन्यवाद। कैसे चले अब मेरो कैसी पंस चले अब मेरो बिन बेटा हो जाने इस किस्मत में परमात्मा ने क्या लिख दिया। एक भी पुत्र पैदा नहीं हुआ, लेकिन परमादरणीय बंधुओं ऊपर वाले की लीला बड़ी विचित्र होती है। कब क्या हो जाए आज तक कोई समझ नहीं पाया। बोलिए सो भैया मेरे जाने कब क्या हो। और ये 50 रुपए बार साहब हरदेव जी बार बार धन्यवाद। किसी ने ना पढ़ कर देखा लिखो जो इन करमन में लेखा। महाराज कोई चंड कौशिक महाराज अचानक अब सुनेंगे गाना। बंधुओं एक वृक्ष पर एक तोता और एक मैना विराजमान है। दोनों में आपस में वार्तालाप हो रहा है,
धार्मिक चर्चाएं हो रही हैं। मैना कह रही है, तोता आपने रामायण से प्रसंग सुनाया, बहुत ही अच्छा सुनाया, लेकिन मुझे एक शंका हो रही है। आप कह रहे हैं कि राम के साथ में वानरों की सेना गई थी जिसने लंका जैसे गढ़ को डहा दिया, रावण जैसे योद्धा को परास्त कर दिया, पर वानर की जगह अगर मानव की सेना होती, आज के मानव की सेना, तो क्या लंका फतेह हो सकती थी? सीता जी वापस आ सकती थी? तोता, कदापि सीता जी वापस नहीं आती। तोता बोले, कहा कह रही है, हमारे देश का इंसान बहुत बड़ा ताकतवर है, क्या बनता उस रावण का? नहीं पतिदेव, मैं ये नहीं कह रही कि ताकतवर नहीं है, ताकतवर तो है, लेकिन ताकतवर के साथ साथ धोखेबाज बहुत बड़ा है, लालची बहुत बड़ा है। सुनिए, मैं आपको बतला रही हूं, वो पक्षी आज के इंसान की औकात बता रहा है, आज के इंसान की औकात क्या है, सुनेंगे गाना। क्या लिखा है भैया? है बड़े पते की बात कही और तोते से मैना ने, बड़े पते की बात कही तोते से मैना ने, और बजा दिया, अरे बजा दिया लंका में डंका उस वानर सेना ने, बजा दिया लंका में डंका वानर सेना ने, संग नर जात जो जाती, इंसान की जाति, संग नर जात जो जाती प्रभु से घात हो जाती, संग नर जात जो जाती प्रभु से घात हो जाती, संग नर जात जो जाती प्रभु से घात हो जाती। बहुत धन्यवाद।